हम जिस देवता की पूजा करते उस पर विश्वास कम करते। 5 दिन अगर वो हमारे मन के मुताबिक फल ना दे तो हम देवी देवता बदल लेते हैं। बता, सच बोल रहा हूं मैं। एक आप जैसा ही भक्त था, वो एक महात्मा जी के पास, मेरे जैसे के पास में आया। महाराज मेरे जैसा तो मेरे जैसा। हाँ भैया। अरे महाराज, बड़े संकट के बादल घिरे आए, कोई ऐसा देवता बताओ जो जल्दी प्रसन्न हो, हमारी मनोकामना पूरी करे। हमने कहा भैया सत्यनारायण की कथा, हम जैसे ने, हमने नहीं, सत्यनारायण भगवान बड़े कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं, जो है उनसे जो मांगोगे सो मिल जाएगा, सत्यनारायण भगवान की पूजा करो। वो कहीं से चित्र ले आया और सत्य पहले कर, लेकिन भक्तजनों के संकट छिन्न में दूर करे, हमारे संकट हरो, यही ना। तो ठीक है, अब यूं ओम जय जगदीश हरे रोज हो। एक हफ्ता निकल गया, परवा के संकट हरवे को काम नहीं बह पाए। फिर आया वो महाराज के पास। महाराज, हाँ जी, एक हफ्ता आएगा महाराज, संकट यूं की त्यों है, जैसे तैसे बने हुए संकट, अब क्या करना है। बोलिए देवता सुनता नहीं, कोई और देवता बताओ। तो महाराज ने कहा भैया देखो, ये कलयुग है, देवता थोड़ी देर से काम करते हैं, एक काम करो, देवियों की चल रही है आजकल कलयुग में, तुम देवी पूजो, देवी पूजोगे यूं तुम्हारा काम होगा यूं। बोले महाराज जी बात तुमने सही कही, ये बात पहले बतानी। बोले अब बता दे बेटा, अब पूछ। बोले कौन सी देवी पूजूं। बोले बेटा काली देवी पूज। ऐसा का वैष्णो देवी फिर भी देर कर दे, तू काली देवी पूज। बोले हाँ महाराज ये ठीक है। अब वो काली देवी की चित्र ले आयो, तस्वीर ले आयो, उसकी पूजा शुरू। जय अम्बे गौरी मैया जय काली देवी, और करें हम पूजा तुम इच्छा करो पूरी। तो धूप बत्ती जलाई उसने देवी मैया के आगे, देवी मैया के आगे धूप बत्ती जलाई। संयोग देखिए, हल्की सी हवा चल रही थी, हल्की सी, और हवा चल रही थी, वो हवा चल रही थी ऐसी कि काली मैया की धूप का धुआं दीवाल पे लटके हुए नारायण भगवान की तरफ जा रहा था। अब भगत जी को हो गई टेंशन। भगत जी बोले ये खुद तो हमारा भला करेंगे नहीं, पर इस काली से भी हमारा भला होने नहीं देंगे, ये चाहते ही नहीं है कि हमारा भला हो। पूछो क्यों। बोले हमने लगाई ये देवी के लिए धूप और खुद खींच रहे हैं उसे, जब यही खींच लेंगे तो देवी तो बिना धूप के रह जाएगी। भागा भागा गया बाके घर के मटका में, मट सब कच्चा मटका में, तो रुई निकाल के लाया, रुई रुई समझ गए कि कॉटन कहूं, हाँ रुई निकाल के लायो, और रुई खूब मोटी मोटी सी ले ली, और जहां नारायण भगवान की नाक से काटकर झट घुसा दी, नाक में लगा दी रुई। पूछे क्यों। बोले अब सूंघ के दिखाओ, हमारी देवी की भी सुगंधी को तुम ले जाओगे, धूप को तुम ले जाओगे, हमारी देवी रुष्ट हो जाए, तुमको भी नहीं लेने दूंगा। रुई लगा दी और झट नारायण भगवान प्रकट हो गए, वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। नारायण भगवान बोले वरदान मांगो वरदान मांगो वरदान मांगो। अब वो देखे नारायण मांगो, भगवान बोले वरदान मांगो, फिर देवी मांग देखे, भगवान बोले देवी को क्यों देख रहे हो, वरदान मांगो, हम प्रकट हो गए। अरे भगवान बोले अब हम प्रकट हो गए, वरदान मांगो, बिना वरदान दिए जाएंगे नहीं। बोले महाराज वरदान तो दे देना, पर मेरा संशय मिटाओ पहले तो। बोले क्या। बोले एक हफ्ता तक लगा रहा खूब धूप बत्ती, अगर वो धूप बत्ती दीपक जलाए, भोग लगाए, बतासे खवाए, चिनौरी खवाई तुम्हें, कबू कबू एक आध किशमिश को भोग लगायो, तब तो तुम प्रकट नहीं भाई, और जब तुम्हारी नाक में रुई लगा दी तो प्रकट है गए। कहा है भगवान। बोले बहुत प्यारा सा रीजन है प्यारे। क्या। बोले देख, जब तक तू मेरी पूजा करता रहा तब तक तूने भगवान नहीं सिर्फ मुझे तस्वीर समझा, सिर्फ चित्र समझा, कभी तूने मुझे भगवान समझा ही नहीं, हमेशा तो चित्र समझता था और सोचता था कि चित्र प्रकट क्यों नहीं हो रहा, अब चित्र थोड़ी प्रकट होता है। आज पहली बार तुझे लगा कि भगवान मेरी इस धूप के धुएं को, सुगंधी को ले रहे हैं, आज पहली बार तेरे मन में यह भाव आया कि भगवान है, आज पहली बार तेरे मन में यह भाव आया कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं। जब पहली बार यह भाव आया कि भगवान स्वीकार कर रहे हैं तो मैं तेरे पहले ही भाव पर प्रकट हो गया, ले तेरा भगवान तेरे सामने प्रकट हो गया।